लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, और ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और ये इस तरह के बोर्ड में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आते आते हैं और ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें, किरचॉफ्स करेंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का बहुत ही बेहतरीन बेसिक अप्लीकेशन है और ये केसीएल केवीएल को सीखने के ख्याल से बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। तो देखते हैं अब ये प्रॉब्लम क्या है। कहा गया कि यहाँ पे ये जो ब्रांच दे रखी है, ये सर्किट दे रखा है आपको, और हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। ये 10 ओम है, 5 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम का यहाँ पे बीच में रेसिस्टर लगा हुआ है, ये 10 ओम 10 वोल्ट की बैटरी। पहले इंस्टेंट में इस प्रॉब्लम को देख करके स्टूडेंट्स जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को लेकर के, बट व्हीटस्टोन ब्रिज तो है नहीं। जनरली कह देंगे कि बीडी में करंट जीरो जा रही है, ये गलती हो सकती है, बट देखिए वो तो तब होगा ना जब दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस रेसिस्टेंस बाय दिस रेसिस्टेंस। बट यहाँ पे तो इन दो रेसिस्टेंस का आर्म का रेशियो 2 है और यहाँ पे 1:2 है, यहाँ 2:1 है, 10/5, यहाँ पे 5/10 है, तो ऐसा तो है ही नहीं। जो कंडीशन होता है बैलेंस ब्रिज का वो तो फॉलो नहीं कर रहा, तो एक गलती आप ये कर सकते हैं, तो इस तरह की गलती नहीं करेंगे, एक तो ये बात हो गई। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, उस अब हमें करने क्या है वो देख लेते हैं। हर एक रेसिस्टर के थ्रू करंट हमें निकालना है, हर एक ब्रांच में करंट निकालना है। तो सबसे पहला काम जब भी ऐसा सर्किट आ जाए तो आप किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ्स जंक्शन लॉ का यूज करके करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए सर्किट में, और करंट की डिस्ट्रीब्यूशन जैसे चाहे वैसे शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जरूरी नहीं कि मैं जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही आपको करना है या वही याद रखना है, ये जरूरी नहीं है। आप करंट की डिस्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कर लीजिए, बट एक बात का ख्याल रखना है बस इस बात का कि किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन लॉ जो है बिल्कुल वैलिड रहे, एक तो ये बात हो गई। तो पहला काम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना। फिर देखिए कि जब डिस्ट्रीब्यूशन करंट का करा आपने सर्किट में, तो देखिए कितने वेरिएबल्स हैं, जितने वेरिएबल्स होंगे उतने डिफरेंट इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और ये इक्वेशंस कहां से आएगा करंट का रिलेशन वगैरह को लेकर के, वो आएगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, जो कि सेकंड लॉ है जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, तो उससे आपका आएगा। अब यह है कि यदि मान लो आपका कि तीन वेरिएबल्स हैं, जैसे इस प्रॉब्लम में तीन वेरिएबल आ जाएगा, तो आपको तीन डिफरेंट इक्वेशन चाहिए। यदि तीन डिफरेंट इक्वेशन चाहिए तो आप तीन डिफरेंट क्लोज सर्किट लेंगे और फिर उसमें केवीएल अप्लाई करेंगे, और वो तीन डिफरेंट इक्वेशन आने के बाद उसे आप स्मार्टली सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं अब इस प्रॉब्लम को, मैं जो अप्रोच बताएं वैसे अप्रोच के थ्रू मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहा हूं आपके सामने। सबसे पहला काम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए अब यहां पर मैंने सर्किट ये बना दिया है, वो तो प्रॉब्लम सर्किट था, ये हमारा सॉल्यूशन वाला सर्किट है, आंसर का सर्किट है। करंट आई मैंने यहां से शुरू कर दिया, कोई बात नहीं कहीं से भी ले सकते हैं, तो करंट आई ए ले लिया, इधर से करंट आई वन, करंट आई मैंने यहां से ले लिया, करंट आई वन 10 ओम से पास कर गई ब्रांच ए बी में, तो फ्रॉम किरचॉफ्स करंट लॉ इससे कितना जाएगा, आई माइनस आई वन जाएगा, क्योंकि जितना करंट ए पे आएगा उतना ही करंट ए से जाएगा, राइट तो उसके बेसिस पे इससे करंट आई माइनस आई वन ले लिया। अब ये करंट आई वन गया बी पे, इधर मैंने इस ब्रांच पे आई टू ले लिया, तो इधर कितना चला गया आपका केसीएल के हिसाब से आई वन माइनस आई टू, तो अब ये करंट आई टू आ रहा है, आई माइनस आई वन आया, दोनों मिलकर के इधर चला गया अकॉर्डिंग, क्योंकि आने वाला करंट और ये भी आने वाला करंट है, तो जाने वाला करंट दोनों का अल्जेब्रिक सम हो जाएगा किरचॉफ्स करंट लॉ से, तो आई माइनस आई वन प्लस आई टू, आई टू प्लस दिस करंट, दैट विल बी द करंट इन दिस ब्रांच। अब ये करंट आया, ये भी करंट आया, अब ये दोनों मिलकर के जरूर से इसमें आई होना चाहिए, क्योंकि यदि आई यहां पे तो इधर भी आई आना चाहिए और यहां से भी आई आना चाहिए, तो देखिए आई नहीं हो रहा होगा ना, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं गलत जा रहा है, तो आई वन माइनस आई टू प्लस दिस करंट, आई माइनस आई वन प्लस आई टू दोनों को एड करेंगे तो इट विल गिव आई, तो बिल्कुल प्रॉपर हो गया आपका। कितने वेरिएबल आप देख रहे हैं, तीन वेरिएबल्स, तो हमारे को तीन डिफरेंट इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, और हम लोग तीन डिफरेंट क्लोज सर्किट ले लेते हैं, क्लोज सर्किट में ही हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे, जो कि क्या कहता है कि द अल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट ऑफ द क्लोज सर्किट विल बी इक्वल टू जीरो। बट इस लॉ को अप्लाई करने के पहले आपको एक कन्वेंशन फॉलो करना पड़ता है, कन्वेंशन मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं जो मैं अप्लाई करूंगा। जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है रेसिस्टेंस में,
आप यदि क्लोज सर्किट में चलते हुए उधर ही जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दैट रेसिस्टेंस लिखा जाएगा माइनस आईआर। यदि जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है आप उसके अपोजिट ट्रेवल कर रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप उसके अक्रॉस लिखा जाएगा प्लस आईआर। ये दो हो गया। तीसरा देखिए, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं जाते हुए पहले माइनस पोलैरिटी बैटरी की आ गई नेगेटिव, फिर प्लस आई, तो ईएमएफ जो लिखा जाएगा उस बैटरी का प्लस ई लिखा जाएगा। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं पहले आपका आ गया प्लस पोलैरिटी, फिर आ गया माइनस पोलैरिटी, फिर पोटेंशियल ड्रॉप या उसका ईएमएफ जो लिखा जाएगा बैटरी का वो माइनस ई लिखा जाएगा। ये चार कन्वेंशन है जो मैंने आपको बताया, उसको आप नहीं समझ पा रहे तो फिर से रिपीट करके वीडियो लेक्चर्स को, लेक्चर जो मैं दे रहा हूं उसको रिपीट करके सुनना और साथ में लिख भी लेना आप, ताकि अप्लाई करते हुए आपको आसानी हो जाए। अब मैं यहां पे तीनों इक्वेशन तैयार करने जा रहा हूं, बट वो तीन इक्वेशन को तैयार करने के लिए वन बाय वन करके मैं क्लोज सर्किट लूंगा। आपकी अपनी मर्जी है, जो क्लोज सर्किट लेना चाहे ले सकते हैं। क्लोज सर्किट का मतलब है कि जहां से चले हैं वहीं पे दोबारा लौट के आना है। अब देखिए, पहला क्लोज सर्किट पहले इक्वेशन के लिए मैंने ले लिया यहां पे ए से बी गया, बी से डी गया, डी से ए आया, मतलब हमारा क्लोज सर्किट है जिसको क्लोज मेष भी कहा जाता है, MESH, A, B, D, A. तो अब मैं जैसे लिखा हूं वैसे मैं चलूंगा अभी, ए बी डी ए, तो मैं ए से पहले बी जाऊंगा, बी से फिर डी जाऊंगा, डी से फिर ए जाऊंगा, तो ए से बी गया। मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं करंट उधर ही जा रही है, देखिए I1, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन, माइनस 10 I1, माइनस 10 I1। फिर मैं गया B से D जा रहा हूं, जिधर जा रहा हूं करंट उधर ही है I2, तो लिखा जाएगा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप माइनस 5 I2। अब देखिए, मैं D से A जा रहा हूं, A से B गया, B से D गया, D से अब A, D से A जाते हुए करंट उसके अपोजिट दिख रही है I माइनस I1, तो क्या लिखा जाएगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप, प्लस 5 इंटू I माइनस I1। यही हमने लिख दिया और तीनों को अल्जेब्रिकली ऐड करके उसे जीरो कर दिया। ये इक्वेशन तैयार करना है, बड़े आराम से इक्वेशन तैयार करना, कहीं भी थोड़ी गलती हो गई ना तो पूरा का पूरा प्रॉब्लम गलत जाएगा, आपकी मेहनत जो है बेकार हो जाएगी। और कैलकुलेशन और जो गलती करेंगे ना, गलती ढूंढना फिर आसान नहीं होता ऐसे प्रॉब्लम में, और आपको लगेगा कि मैं तो करेक्ट करके आ गया हूं, तो आप ध्यान रखना इस बात का। अब ये जो इक्वेशन आया बस उसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक प्रॉपर इक्वेशन तैयार करना है। अब इसमें थोड़ा स्मार्टली काम करेंगे, जैसे ये 10 है, 5 है, 5 है, 5 कॉमन ले लिए तीनों से, या 5 से इस इक्वेशन को दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए, बात तो एक ही है। तो क्या करेंगे, माइनस 2 I1, 5 से डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा माइनस I2, ये आ जाएगा आपका I माइनस I1। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए माइनस 2 I1 माइनस I1 इट विल गिव, अब सबको एक तरफ ले जाइए I1 और I2 को, और I को एक ही साइड रहने दीजिए, तो माइनस 2 I1 माइनस I1 इट विल गिव माइनस 3 I1, आपका उस साइड लेके जाते हैं तो 3 I1 हो गया, माइनस I2 है तो उस साइड लेके गए तो प्लस I2 हो गया, तो 3 I1 प्लस I2 विल बी इक्वल टू I। एक इक्वेशन पहला हो गया तैयार आपका, बड़े ध्यान से देखना, पहला इक्वेशन तैयार हो गया आपका। अब मैं यहां पे नेक्स्ट इक्वेशन के लिए मैं ये वाला क्लोज सर्किट ले रहा हूं, बी से सी जाऊंगा, देखिए बी सी डी बी, मैं जैसे लिखा ना वैसे ही चलूंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, डी से फिर बी जाऊंगा, देखिए ध्यान से, बी से सी, सी से डी और डी से बी, ऐसे गया मैं, लिखिएगा ऐसे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए, बी से सी जाते हुए जिस ओर करंट है मैं उधर ही जा रहा हूं, देखिए तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वन क्या लिखा जाएगा, माइनस 5 आई वन माइनस आई टू, माइनस 5 आई वन माइनस आई टू। सी से डी जा रहा हूं बट करंट उसके अपोजिट जा रही है, देखिए यहां पे करंट उसके अपोजिट जा रही है, तो क्या लिखा जाएगा इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप, इसके अक्रॉस का प्लस 10 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू, तो प्लस 10 इंटू आई माइनस आई वन प्लस आई टू। अब देखिए, मैं जा रहा हूं ऐसे, डी से भी करंट आ रही है ऐसे, तो फिर से प्लस 5 आई टू, तो प्लस 5 आई टू, तीनों को अल्जेब्रिकली ऐड करके जीरो कर दिया, हो गया सेकंड इक्वेशन भी तैयार हो गया हमारा, राइट। अब देखिए यहां पे
फिर से इसमें 5, 10, 5 5 से डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका माइनस ऑफ I1 माइनस I2 प्लस 2 I माइनस I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैंने सिंप्लीफाई कर भी दिया है, माइनस से पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस I1 प्लस I2 प्लस 2I माइनस 2I1 प्लस 2I2 ये लिख दिया प्लस I2 इक्वल टू 0। अब फिर से वही वाली बात आती है, माइनस I1 माइनस 2I1 इट विल गिव 3I1 और उस ओर ले जाएंगे तो माइनस 3I1 उस ओर ले जाएंगे तो 3I1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे I2 प्लस 2I2 प्लस I2 इट विल गिव प्लस 5I2 नहीं प्लस 4I2। देखिए I2 प्लस 2I2 3I2 प्लस I2 4I2 उस ओर लेके जाएंगे तो माइनस 4I2 हो गया, तो 3I1 माइनस 4I2 विल बी इक्वल टू 2I। दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया, बट वेरिएबल तो तीन है हमारे पास, दो ही इक्वेशन आए अभी तक, अब एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए एक और क्लोज सर्किट ले लेते हैं। अब क्लोज सर्किट ऐसा लीजिए जिसमें कैलकुलेशन आसान रहे, जैसे मैं आपको बताता हूं। अब क्लोज सर्किट ये ले सकते हैं आप, देखिए क्या क्या ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। ए से बी गया, यहां पे मैंने क्या किया, ए बी सी ले लिया, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से चल के ए पे आया। अब मेरे को इससे लेने से फायदा क्या होगा, इसमें I1 है, इसमें I1 माइनस I2 है, इसमें I है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा मेरे लिए, लिखना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप देखिए ये लेते हैं तो देखिए ए से डी जाते हैं, डी से सी जाते हैं, सी से फिर ए आते हैं, तो यहां देखिए I माइनस I1 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 10 को इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो जब ओपन करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसा इक्वेशन लीजिए ना जिससे कि कैलकुलेशन आसान रहे आपके लिए। इसी तरह से देखिए आप और क्लोज सर्किट ले सकते हैं, ए से बी जाइए, बी से डी जाइए, डी से सी जाइए, सी से फिर दोबारा ए पे आइए, इसमें भी आएगा, बिल्कुल आएगा, घर पे करना आप। लेकिन सिंपलेस्ट पाथ जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा आसान है वो आपका ए से बी, बी से सी और सी से होते हुए ए तक, तो वही मैंने ले रखा ए बी सी है। तो चलते हैं ए से बी, तो माइनस 10 I1 तो माइनस 10 I1, फिर बी से सी जाइए माइनस, क्योंकि करंट इधर जा रही उधर ही चल रहे हैं आप, तो माइनस 5 I1 माइनस I2, फिर सी से इधर आइए तो देखिए अब नेगेटिव पोलैरिटी बैटरी की आई फिर पॉजिटिव आई, जिधर चल रहे हैं ऐसे जा रहे हैं आप और नेगेटिव आई फिर पॉजिटिव आई तो प्लस 10 लिखा गया था तो प्लस 10, फिर देखिए करंट इसमें ऐसे जा रही है आप इधर ही चल के ए तक पहुंच रहे हैं तो माइनस 10 I इक्वल टू 0, राइट। तो ये इक्वेशन आपका तैयार हो गया। फिर से देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 5 से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस 2 I1, ये आ जाएगा माइनस ऑफ I1 माइनस I2 प्लस 10 by 5 से डिवाइड किया माइनस 10 by 5 2, तो माइनस 2 I। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिख लीजिए आप, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 I प्लस 3 I1 माइनस I2 इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से ये तो आप खुद कर सकते हैं, मेरे को बताना नहीं चाहिए। अब तीन इक्वेशन आ गया, स्मार्टली सॉल्व करना है, कैसे करेंगे तीनों इक्वेशन को सॉल्व, तो देखिए यहां पे इन दोनों इक्वेशन से I1 और I2 I के टर्म में निकालिए, पहला दूसरा इक्वेशन सॉल्व कीजिए और पहले दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 को I के टर्म में निकालिए, बहुत आसान है निकालना। देखिए यहां पे ये 3I1 प्लस I2 है, यहां 3I1 माइनस 4I2 है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 3I1 खत्म ही हो जाएगा ना, तो क्या रह जाएगा I2 माइनस ऑफ दिस वन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5I2 आ जाएगा, दैट 5I2 विल बी इक्वल टू I माइनस 2I, दैट विल बी माइनस I, तो I2 कितना आ गया माइनस I डिवाइड बाय 5, बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन गेट I2 इक्वल टू माइनस I बाय 5 आ गया। अब I2 आने के बाद I1 निकालना है जी, तो I2 जो आया है किसी भी वैल्यू में डाल दीजिए, किसी भी इक्वेशन इसमें डाल दीजिए, ज्यादा आसान है, तो यहां पे आ जाएगा 3I1 माइनस I बाय 5 विल बी इक्वल टू I, इधर वाला माइनस I बाय 5 इधर जाएगा तो I प्लस I बाय 5 हो जाएगा, तो 3I विल बी इक्वल टू I प्लस I बाय 5 विच विल गिव 3I विल बी इक्वल टू 6I डिवाइड बाय 5, राइट। I2 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2I बाय 5, तो I1 और I2 इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके आ गया। अब I1 I2 I के टर्म में आया, अब कहेंगे कि ये तो I के टर्म में आया कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए I1 I2 I के टर्म में आया, ये दोनों वैल्यू को यहां पे प्लेस कीजिए I1 और I2 में, दोनों ही वैल्यू को I1 I2 में प्लेस कीजिए, पूरा का पूरा इक्वेशन I में आ जाएगा,
जब पूरा इक्वेशन आई में आ जाएगा, जो खुद करना घर पे, मैं बता रहा हूं, आई वन की जगह यहां डालिए 2i/5, आई टू की जगह -i/5 डालिए, पूरा इक्वेशन आई के टर्म में आएगा नहीं आएगा बताइए, उस आई को सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से करना, तो आई आ जाएगा 10/17 एम्पियर, करके देखना आप, जरूर से आएगा। ये तो काम आसान है, लीनियर इक्वेशन को तो सॉल्व करना है, जो कि आप पीछे कई क्लास में कर रखे हैं। तो आई आ गया 10/17 एम्पियर, अब करंट आई 10/17 एम्पियर आ गई है, तो आई आ गया तो आई वन भी आ जाएगा, क्योंकि इस आई की जगह पे 10/17 प्लेस कीजिए तो 4/17 एम्पियर आ जाएगा आई वन, तो आई वन विल बी 4/17 एम्पियर। इसकी वैल्यू यहां प्लेस कीजिए तो आई टू आ जाएगा -2/17 एम्पियर। तो आई वन आई टू की वैल्यू आ गई और आई की वैल्यू आ गई 4/10/17, 4/17 -2/17। माइनस साइन का मतलब क्या है? माइनस साइन का मतलब यह है कि जिस ओर आपने करंट का डायरेक्शन एज्यूम किया था प्रॉब्लम करते हुए, उस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट उसके ठीक अपोजिट फ्लो कर रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, जैसे मैं आई टू पे फोकस करता हूं, करंट मैंने इस ब्रांच में बी से डी ले लिया था आई टू, तो एक्चुअली डी से पी जा रहा है, करंट की वैल्यू वही रहेगी 2/17 एम्पीयर, उसमें कोई अंतर नहीं आना है। तो इस ब्रांच में बीडी ब्रांच में डी से बी करंट जा रही है 2/17 एम्पीयर। अब मैं करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताता हूं आपको। देखिए, आई 10/17 एम्पीयर है, इसका तो यहां से 10/17 लिया, तो यहां से एंटर कर रहा है 10/17 एम्पीयर। 10/17 एम्पीयर इस ब्रांच में देखिए कितनी है, आई वन, और आई वन के लिए 4/17 है, तो ये 4/17 एम्पीयर है। तो फ्रॉम केसीएल इधर से कितना जाएगा, 6/17 एम्पीयर, क्योंकि 10/17 आ रहा है इस ब्रांच में, 4/17 गया तो इसमें 6/17 एम्पीयर जाएगा, बहुत आसान है केसीएल। अब देखिए 6/17 एम्पीयर इधर से 4/17 एम्पीयर, ध्यान दीजिए यहां पे कि इधर से अभी कितना बोला गया 2/17 एम्पीयर, अभी बोला मैंने कि डी से बी के ब्रांच में 2/17 एम्पीयर है, माइनस साइन है, तो आप सीधे उलट दीजिए, करंट यहां पे आपने ले रखा था बी से डी, आप इसको दिखाइए अब डी से बी, और डी से बी दिखा देते हुए कितना लिखेंगे 2/17 एम्पीयर, क्योंकि करंट का डायरेक्शन मैंने अपोजिट कर दिया, तो 2/17 एम्पीयर गया, तो इधर कितना जाएगा 4/17 एम्पीयर, 6/17 आया यहां पे, 2/17 इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा 4/17 एम्पीयर। अब देखिए 2/17 आया, इधर से आ रहा है आपका 4/17, तो इधर से कितना गया 6/17 एम्पीयर, तो इस ब्रांच में कितना हो गया 6/17 एम्पीयर, इस ब्रांच में कितना हो गया 4/17, क्योंकि 2/17 इधर गया, 6/17 आ रहा है, तो 4/17 इसमें गया। अब ये दोनों मिलकर यहां पे 10/17 एम्पीयर बना दिया, तो इसका मतलब हो गया कि इस ब्रांच में कितना फ्लो कर रहा है 10/17 एम्पीयर, तो बहुत आसान। तो इस ब्रांच में 10/17 एम्पीयर, इस ब्रांच के थ्रू 4/17 एम्पीयर, इस ब्रांच के थ्रू 6/17 एम्पीयर, इस ब्रांच के थ्रू 2/17 एम्पीयर, इस ब्रांच से ऐसे 6/17 एम्पीयर, इस ब्रांच से ऐसे 4/17 एम्पीयर। मैंने आपको बड़े आराम से समझाया है प्रॉब्लम, राइट। तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, बड़े पेशेंटली घर पे इसको सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली 3 या 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आते हैं बोर्ड के पेपर में, राइट। और ये बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है केसीएल केवीएल को सॉल्व करने का, राइट। एक बात तो ये हो गई, इसका मैं काफी एक इंपॉर्टेंट रिमार्क्स यहां पे बता रहा हूं, ध्यान दीजिए यहां पे। 10 ओम रेसिस्टर से जितनी करंट यहां से जा रही उतनी करंट बाहर आ रही है, यहां पे आपका 4/17 एम्पीयर देखिए, और यहां पे भी 4/17 है, यहां 6/17 है, यहां पे आपका 6/17 है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट होता है मेथड, ये एक्चुअली सिमेट्री, सर्किट की सिमेट्री देखिए, 10 ओम 5 ओम 5 ओम 10 ओम, इट्स ओनली ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ दिस सर्किट, इसलिए ऐसा हो रहा है। जो कि हम लोग क्या करते हैं कि मेंस और एडवांस या हायर लेवल पे या एडवांस लेवल पे इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जल्दी से इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं वो भी बता देता हूं आपको। हालांकि वो आप स्कूल के पेपर में या बोर्ड के पेपर में अप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से गलत तो नहीं करेंगे वो लोग। तो देखिए आप, उससे फायदा क्या होगा, 2 वेरिएबल में काम हो जाएगा आपका। अब देखिए, इससे मेथड ऑफ सिमेट्री के हिसाब से करंट यहां पे I1, तो इसमें भी करंट I1, इसमें करंट I2, तो इसमें करंट I2, तो I1 गया I2, इसमें इसमें I1, इसमें I2, तो रिमेनिंग करंट इधर I1 माइनस I2, तो कितने इक्वेशन आपके पास रह जाएंगे, फिर कितने वेरिएबल हो गए, एक तरह से 2 ही वेरिएबल में तो काम हो गया यहां पे,
अब वैसे केसीएल केवीएल मैंने आपको बताया वैसे अप्लाई कीजिए डिफरेंट क्लोज सर्किट में, और इसके बाद यहाँ पे रिलेशन लेके आइए आई वन आई टू के बीच में, सॉल्व कर लीजिए। उस केस में जब सॉल्व करेंगे ना तो इसमें इक्वेशन लगाएंगे केसीएल केवीएल के लिए, या इसमें लगाएंगे तो एक ही इक्वेशन आएगा, तो आपको एक ही टाइप आएगा। तो एक इसमें लगाइए और एक बैटरी को इंक्लूड करते हुए ये वाला अप्लाई कर दीजिए, तो दो इक्वेशन से आपको वहां पे काम बन जाएगा। बट ये मेथड जनरली लोग कहते हैं कि स्कूल के पेपर में लगाएंगे तो गलत हो जाएगा मेथड ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं। कि एनसीईआरटी ने भी एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया हुआ जिसमें 12 रेसिस्टर्स हैं क्यूब में, उन्होंने भी यहाँ पे उस वहां पे भी सॉल्व मेथड ऑफ सिमेट्री से ही करी गई है, तो आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया कि मेथड ऑफ सिमेट्री कैसे अप्लाई होगा। बाकी जब मैं जेई मेंस और एडवांस